गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की। आज हमारा टॉपिक है कार्नो इंजन की दक्षता। कार्नो इंजन की दक्षता से पहले हमने कार्नो इंजन क्या है, वो कहाँ कहाँ काम करता है, स्रोत और सिंक क्या होती है, कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है उसके बारे में हमने बात कर रखी थी। आज हम ऊष्मा इंजन जो हमारे पास में है या ऊष्मा इंजन की दक्षता के बारे में बात करते हैं। तो कार्नो इंजन बोलो चाहे ऊष्मा इंजन बोलो, एक तरीके से दोनों में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। तो हम बात करें आज हमारे ऊष्मा इंजन की दक्षता के बारे में। ऊष्मा इंजन की दक्षता को हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नीटा से। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता से हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी ऊष्मा इंजन में अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कि तुल्य मात्रा में कार्य में रूपांतरित होता है ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। सिंपल सी हम बात में हम बात करना चाहें तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऊष्मा इंजन की दक्षता जिसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा जो तुल्य कार्य हमारे पास में जो आ रहा है और जो हमारे पास में क्यू जो हमारे पास में वैल्यूज थे यानी कि ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा का भाग Q2 जो हमारे पास में अवेलेबल है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। ये ऊष्मा इंजन की दक्षता हम पिछले कार्नो साइकिल वाले जो हमारे पास में समीकरण आया था कार्नो साइकिल वाला, अगर हम उसको वहाँ पे यूज़ करें तो हम वहाँ पे W की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वहाँ पे W इज इक्वल टू क्या था? W इज इक्वल टू था T2 माइनस T1। ठीक है, तो हम क्या करें कि हमारे पास जो नीटा की वैल्यूज़ हैं यानी कि नीटा इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है W अपॉन Q2। तो W की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो T2 माइनस T1 अपॉन Q2, ये हमारी क्या हो गई, हमारा जो कार्नो साइकिल वाला दक्षता वाला जो था हमारे कार्नो साइकिल के अंदर हमने जो अवशोषित ऊष्मा का जो पार्टिसिपेंट यानी कि ऊष्मा का जो हमने वैल्यूज डेवलप की थी उस समीकरण से हमारे पास में ये वैल्यूज आ रही हैं। तो यानी कि हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में नीटा की जो वैल्यू आ रही है यानी कि ऊष्मा इंजन की दक्षता की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नीटा इज इक्वल टू W अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन Q2। इतनी बात हमारी हो गई है। अब ये जो समीकरण है हमारे पास है, ये समीकरण नंबर 1 और ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये जो हमारे पास में समीकरण नंबर 2 है वो किसी इंजन की दक्षता केवल स्रोत या सिंक के तापों पर निर्भर करती है जिसके बीच हमारा जो इंजन काम करता है यानी कि कार्यकारी पदार्थ के ऊपर कभी भी आपका जो इंजन की दक्षता होती है वो डिपेंड नहीं करती है। इसलिए ऊष्मा इंजन की दक्षता भी केवल और केवल सिंक और स्रोत हैं उनके तापों पर निर्भर करती है, कभी भी कार्यकारी का पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि अगर T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये हमारा पिछले समीकरण में जो हमने ऊष्मा निकाली थी वहाँ पे एक समीकरण आया था, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम होती है यानी कि इंजन की दक्षता भी हमेशा क्या होगी, 1 होगी, अर्थात 100% एफिशिएंसी से यानी कि 100% से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। या सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास में W को अगर हम W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास में नीटा इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन Q2। ये हमारे पास में बेसिक हमारा रिलेशन बनता है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये किस पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर हमारे पास में जो पिछला समीकरण आया था जिसमें हमें कार्नो साइकिल की ऊष्मा के बारे में बात की थी T2 माइनस T1 अपॉन T2 लेस देन अगर 1 होता है तो यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 आएगी और जो ऊष्मा इंजन जो हमारे पास में आ रहा है उसकी दक्षता 100% रहेगी यानी कि 100% रहेगी यानी कि 100% यानी कि थोड़ा सा कम रहेगी। ये हमारी बात हो गई थी यहाँ तक की। अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नीटा की, अगर हमने W की वैल्यूज़ को ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा के रूप में रूपांतरित करना चाहे यानी कि Q2 माइनस Q1 वाले वैल्यूज़ रेशियोज़ के अंदर हमने लिया है तो नीटा इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, ये हमारी वैल्यूज़ आएंगी और हमने फॉर्मूला पुट अप कर दिया है। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में ये जो समीकरण आ रहे हैं उसमें Q1 अपॉन Q2 अगर हम लेना चाहें तो इसके इक्विवेलेंट में हमारे इजीली T1 अपॉन T2 आ जाएंगे यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ जो होती है वो दोनों लगभग सेम होती है यानी कि इंजन की वास्तविक दक्षता जो होती है वो हमारे इस जो समीकरण हमारे पास में आ रहा है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 तो इसके साथ साथ में हमारे पास में ये समीकरण डेवलप होता है। तो हमने देखा कि ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वो हमारे इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। हमारी ऊष्मा इंजन की दक्षता को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे जो किया गया कार्य होता है उस कार्य के ऊपर हमारे पास में ये चीज़ें आती हैं।
अब हम बात करेंगे कार्नो जो थ्योरम होती है, कार्नो प्रमेय जो होती है, कार्नो प्रमेय के बारे में हम जब बात करेंगे तो कार्नो प्रमेय हमारे पास में आती है इस तरीके से, यानी कि कार्नो प्रमेय के बारे में भी हम उस कार्नो साइकिल से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। कार्नो साइकिल ही डिसाइड करेगा कि कार्नो प्रमेय कैसे बनती है, कार्नो प्रमेय हमारे पास में कैसे आती है। तो आज के लिए हमारे टॉपिक थे ऊष्मा इंजन की दक्षता, जिसके बारे में हमने बात कर ली, नीटा से रिप्रेजेंट होता है और ये सारी बातें हमारे पास में हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे कार्नो प्रमेय के बारे में। कार्नो प्रमेय के बारे में जब हम बात करेंगे तो कार्नो प्रमेय क्या कहती है हमारे पास में, कि हमारे पास में कार्नो प्रमेय के अंदर हमारे पास में स्रोत चाहिए होता है, सिंक चाहिए होता है। तो ये स्रोत और सिंक किस तरीके से कार्य करते हैं, इसके लिए हमें एक युक्ति बनानी पड़ती है, एक प्रमेय या थ्योरम को सोल्व करने के लिए हमारे पास में एक प्रमेय और थ्योरम को सोल्व करने के लिए हमारे पास में क्या होता है कि एक हम जो चीज लेते हैं वो देखो, ऊष्मा इंजन की दक्षता के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कार्नो प्रमेय की थ्योरम के बारे में। ठीक है, बात करते हैं कार्नो प्रमेय की। ठीक है, कार्नो प्रमेय के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सोर्स चाहिए होता है और सिंक चाहिए होता है, यानी कि सोर्स और सिंक हमें चाहिए होते हैं। सोर्स और जो सिंक होते हैं उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास में एक युक्ति बनती है। देखिए, हमने कुछ इस तरीके से एक सोर्स और सिंक का हमने एक पैनल लिया है। ठीक है, ऊपर हमने क्या लगा दिया है, ए है, और नीचे वाला क्या है हमारे पास में, ये ए है और ये क्या हो गया बी। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होती है, अपोजिट डायरेक्शन दोनों के अंदर शो होती है। यानी कि अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये हमने T1 सोर्स लिया है और हमने T2 क्या लिया है हमारे पास में, जैसे T1 सोर्स हो गया और T1 ही हमारे पास में क्या हो गया, सिंक हो गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ऊष्मा होती है वो ए से, तो इस तरीके से ए से और इस तरीके से बी से, यानी कि दोनों के अंदर ये। अब ये तो है सोर्स, अपना सोर्स हो गया, और ये हो गया हमारा सिंक। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं यहां की। देखो, यहां पे हमने Q2 अवशोषित ऊष्मा वाला जो वैल्यूज हमने यहां ली है वह Q2 ले रखी है। अब यहां पे तो W होता है और यहां पे -W होता है, ध्यान रखने वाली बात है। Q2-W और Q2-W वर्क यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास में जो W डैश आ रहा है वो W डैश नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, कि समान तापों पर कार्यरत इंजन जो है वो इस तरीके से कार्य करता है। कैसे, कार्नो प्रमेय जो होती है उसके अनुसार क्या होता है, हमारे पास में एक स्रोत होता है और सिंक होता है, दोनों समान ताप पर नियत ताप के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता भी उनके अंदर क्या होगी, समान होगी। यानी कि सिंपल क्या कहेंगे, कार्य का एक द्रव चाहे कुछ भी लिया जाए वो डिपेंड करेगा इन तापों के ऊपर, जिनकी जो हमारे पास में सिंक और स्रोत दोनों के अंदर ताप के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर हम प्रमेय को इसको सिद्ध करना चाहें कि हमारी कार्नो प्रमेय कैसे सफल होती है, कार्नो प्रमेय से कैसे सिद्ध होता है कि ऊष्मा इंजन के अंदर सिंक और जो हमारे स्रोत है उनके दोनों के ताप समान होते हैं, कार्यकारी प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम बात करते हैं हमारे पास में देखो दो उत्क्रमणी इंजन है, एक इंजन है ए, एक दूसरा कौन सा है बी, जो दोनों स्रोत और सिंक के मध्य समान ताप, दोनों के अंदर ताप मैंने समान लिया, देखो यहाँ पे मैंने T1 लिया है और यहाँ पे भी मैंने क्या लिया है, T1 ताप लिया है। जब मैंने ताप दोनों में समान ले लिया और दोनों को एक व्यवस्थित क्रम में मैंने जचा दिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सामान्य कार्नो चक्र के आधार पर जो ए इंजन होता है वो अग्र दिशा में और जो बी इंजन होता है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि एक दूसरे के दोनों क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। इसलिए इंजन ए की दक्षता तो क्या हो जाएगी, नीटा ए, और इंजन बी की दक्षता क्या हो जाएगी, नीटा बी, यानी कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक अग्र दिशा में करता है तो दूसरा कौन सी दिशा में करता है, पश्चिम दिशा में कार्य करता है। यानी कि हम सिंपली कहना चाहेंगे कि एक ऊपर से हाफ करता है तो नीचे वाला दूसरा हाफ जो साइकिल होता है वो दूसरे वाला बी वाला करता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि इंजन ए स्रोत T1 से Q2
ऊष्मा अवशोषित करता है। इंजन ए है वो स्रोत यानी कि सोर्स T1 से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है और ऊष्मा के एक अंश को कार्य में परिवर्तित कर देता है। अब कार्य में जो परिवर्तित करता है तो उसकी वैल्यू होती है Q2 - W, और वो भी कैसी वैल्यू आती है आपके पास में, नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी कि ऊष्मा सिंक को विसर्जित करता है। सोर्स T1 से Q2 अवशोषित की, कुछ कार्य किया और इतनी ऊर्जा सिंक को क्या कर दिया, विसर्जित कर दिया। ये बात हो गई यहाँ तक की। जो बी वाला इंजन होता है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है और रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करता है, यानी कि ऊष्मा इंजन यहाँ पे इसने तो सोर्स से लिया और अब ये जो बी वाला आपके पास में ऊष्मा इंजन है वो क्या करेगा, सिंक से लेता है, यानी कि जो हमारा बी वाला है वो बी सिंक से Q2 - W- ऊष्मा अवशोषित करता है और -W- कार्य करता है, जो हमने कार्य यहाँ दे रखा है ये कार्य करता है और क्या करता है, जो -Q2 ऊष्मा स्रोत को क्या कर देगा, विसर्जित कर देगा। यानी कि सिंपली हम क्या कहते हैं कि एक तो चलती है ये प्रोसेस, सोर्स से Q2 एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की, इसने ए इंजन ने इतना काम किया और इसको इतना रिलीज कर दिया। अब ये जो बी है वो बी क्या करता है, सिंक से इतनी वैल्यू के अंदर ऊष्मा अवशोषित करता है, इतना काम करता है और इतनी ऊर्जा यानी कि Q2 ऊर्जा वापस किसको दे देगा, सोर्स को दे देगा। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में इंजन ए तथा इंजन ए की अधिक दक्ष माना जाता है, क्योंकि जो हमारे पास में जो किया गया कार्य W है वो W- से क्या है, ज़्यादा है। जो किया गया कार्य W है वो W- से क्या होता है, ज़्यादा। अर्थात इंजन बी अवशोषित ऊष्मा के कम भाग को ही परावर्तित या परिवर्तित कर पाता है। सिंपली हम कहें कि Q2 - W- जो हमारे पास में है उसकी वैल्यू Q2 - W से ज़्यादा होती है, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर इंजन ए जितनी ऊष्मा सिंक में विसर्जित करता है उतने उससे अधिक ऊष्मा बी इंजन जो बी होता है वो सिंक से अवशोषित कर लेता है। तो हमारे पास में इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ आती है। सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जो दक्षता होती है वो η A यानी η greater than η B, यानी कि ऊष्मा इंजन ए की दक्षता ऊष्मा इंजन बी की दक्षता से अधिक मानी गई है। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारे पास में जो दोनों इंजन हैं ऊष्मा ए इंजन और बी इंजन, उन दोनों की दक्षता बिल्कुल समान होती है, कोई भी आपके पास में चेंजेस नहीं होती है। यानी कि η A = η B, अर्थात समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। ये कार्नोट प्रमेय आपके सामने संपन्न होती है। कार्नोट प्रमेय में आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, सोर्स लेना है, सिंक लेना है, दोनों का टेम्परेचर समान रखना है, दो इंजन लेने हैं, ए इंजन और बी इंजन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ए इंजन होता है सोर्स से Q2 एनर्जी अवशोषित करता है, -Q2 - W वर्क करता है और इतनी ही ऊष्मा किसको दे देता है, सिंक को दे देता है। सिंक से बी इंजन जो होता है वो Q2 - W- एनर्जी या अपने पास में लेता है, -W- वर्क करता है और Q2 एनर्जी वापस किसको रिलीज कर देगा, सोर्स को रिलीज कर देगा। यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर इंजन ए और इंजन बी दोनों समान कार्य करते हैं। पहले ये माना जाता था कि इंजन ए ज़्यादा काम करता है और इंजन बी कम काम करता है, लेकिन जब इनकी दक्षता की हम बात करते हैं तो ताप समान होने के साथ साथ में दक्षता भी इनकी क्या होती है, समान होती है। यानी कि समान ताप के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता भी क्या होती है, समान होती है। तो ये कार्नोट थ्योरम या कार्नोट प्रमेय हमारे पास में सिद्ध होती है। उससे सिद्ध होता है कि कार्नोट इंजन बहुत ही यूजफुल इंजन होता है, उसी के ऊपर हमारे पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट यानी कि थर्मोडायनेमिक्स उसी पे डिपेंड करती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हम नया टॉपिक। थैंक यू।